हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग यार। क्लास टेंथ का एग्जाम तो हमारा बढ़िया हो चुका है, लेकिन अभी भी एक डिस्कशन चल रहा है, अभी भी एक कहानी चल रही है, जंग चल रही है कि कौन सी स्ट्रीम ली जाए। क्या ये स्ट्रीम इतनी इंपॉर्टेंट है क्या? मतलब ये इतना बड़ा डिसीजन है क्या? बिल्कुल बेटा, ये यहां से ना आपकी लाइफ डिसाइड होगी। यहां से अब आपकी लाइफ डिसाइड होगी कि आपको कौन सी फील्ड चुननी है, आपको अपना कौन सा पैशन फॉलो करना है, और यहीं से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। ठीक है, स्ट्रीम सिलेक्शन सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि हम कौन सी स्ट्रीम लें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी स्ट्रीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, और आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बढ़िया है वो आप खुद से डिसाइड करने के लायक हो जाओगे। क्लियर? तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम करते हैं बेटा। तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, और एक स्टूडेंट सी है। सबसे पहले ए स्टूडेंट पे आ जाओ। ये थोड़ा मायूस है, मायूस नहीं है बेसिकली, ये विजनलेस है। ये वो स्टूडेंट है जो रामलाल अभी लेटा हुआ है, जिसको कोई लेना देना नहीं है। ये एक बोर्डम है और थिंकर है, बस ये बैठ के सोच रहा है कि मैं ये कर लूं, लेकिन ये कर अभी कुछ नहीं रहा है। ठीक है, और इस श्रेणी में काफी कम स्टूडेंट आते हैं, 8-10% स्टूडेंट होते हैं, ज्यादा स्टूडेंट नहीं है ऐसे। और जो स्टूडेंट सी है, बी पहले नहीं बोलूंगा, बी बाद में बोलूंगा, पहले जो स्टूडेंट सी है उसकी बात करते हैं। ये बेटा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंट है, पैशनेट है, और इसका विजन क्लियर है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। क्लियर, इसका विजन क्लियर है, तो इसको स्ट्रीम सिलेक्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसका डिसीजन बन चुका है। अब जो स्टूडेंट बी है, मेजॉरिटी स्टूडेंट बी वाली कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो कि हार्ड वर्कर है, नो डाउट, वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी भी वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये वीडियो ज्यादातर उन बच्चों के लिए है जो अभी भी समझ नहीं पा रहे कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अभी भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, अभी भी वीडियोस देखे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं लोगों से कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लूं, क्या करूं, कैसे डिसाइड करूं, समझ ही नहीं आ रहा। क्लियर? तो आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे हाउ टू सेलेक्ट स्ट्रीम। अब स्ट्रीम सेलेक्ट करने में सबसे पहले जो हम गलतियां करते हैं, पहले उनकी बात करता हूं। सबसे पहली गलती है बेटा पीयर प्रेशर इन्फ्लुएंस, पेरेंट्स के प्रेशर में आके। पेरेंट्स ने आपने आपको बोला कि ये सब्जेक्ट लेना है, तो आपने बोला हाँ ठीक है, पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, मैं ले लेता हूँ। बेटा ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि पढ़ाई जो है वो पेरेंट्स ने नहीं करनी है, आपने करनी है, रिजल्ट आपने लाना है, लाइफ आपकी है बेटा। देखो, पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा आप ही जानते हो कि आपका क्या हॉबी है, आपका क्या पैशन है, आप किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं, पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा परफॉर्मेंस इन क्लास 10। कुछ बुद्धिजीवी ऐसे होंगे जिनके दसवीं में जिस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आए मैं वही ले लूंगा, बाद में पता चला कि वो पेपर इजी आया था, है ना, किस्मत से आप जो पढ़ के गए थे वही एग्जाम में आ गया और आपके उसमें नंबर अच्छे आ गए। जैसे कि आपको मैंने एक चीज बताऊं, क्लास 10th का सिलेबस जो है ना वो बहुत कम होता है और 11th का बहुत वास्ट हो जाता है। क्लियर, तो बी केयरफुल, यहाँ पे ऐसे 10th का रिजल्ट देख के डायरेक्टली आप सब्जेक्ट पे स्विच कर जाओ कि ये स्ट्रीम लेनी है, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। तीसरी गलती क्या है, लेक ऑफ रिसर्च। आप रिसर्च ही नहीं कर रहे, आप रिसर्च ही नहीं कर रहे कि कौन सी स्ट्रीम, इसका क्या स्कोप है, तो हर चीज का रिसर्च करो। क्लियर, क्लास 10th का एग्जाम आपका अच्छा हुआ होगा, है ना, उसका रिजल्ट कुछ ही देर में आ जाएगा। ठीक है, और अब आपको स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है बेटा, तो स्ट्रीम सिलेक्शन में आपको रिसर्च जरूरी करनी है। रिसर्च ध्यान से करो यार, हम कुछ भी खरीदते हैं ना, फोन खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं ना, तो हम बहुत केयरफुल होते हैं उस चीज के लिए, बहुत ध्यान से जांच परख के चीजों को लेते हैं। तो ये तो तुम्हारी लाइफ का फैसला है यार, इसमें तुम रिसर्च नहीं करोगे, बस किसी ने बोल दिया और तुमने सब्जेक्ट ले लिया क्या? तो नहीं, रिसर्च जरूर करनी है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, इग्नोर करते हो अपने आप अपने नेचुरल टैलेंट को, हॉबी को। आप अपना जो आपका नेचुरल टैलेंट है उसके रिकॉर्डिंग देखो कि आपकी कौन सी स्ट्रीम बढ़िया बन रही है, अपनी हॉबी को देख के चलो। क्लियर, नेक्स्ट है बेटा अंडर एस्टिमेट सेल्फ। आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हो कि आप चाहते तो हो डॉक्टर बनना, लेकिन आप बोलते हो कि यार ये मुश्किल है, इतने बच्चे, देखो नीट का भी पेपर हुआ तो 25 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, मैं कहां कंपीट कर पाऊंगा। यार तुमने पहले ही फैसला बना दिया तुम कहां कंपीट कर पाओगे, तो तुम नहीं कर पाओगे ना। अंडर एस्टिमेट मत करो, एक बार जंग लड़के तो देखो, एक बार तैयारी करके तो देखो। तैयारी करने से पहले तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो देखो ऐसा बिल्कुल मत करो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करो मत करो बेटा। देखो ह्यूमन जो है ना बेटा, हम इनफाइनाइट बींग्स हैं, हमारी बहुत कैपेबिलिटीज है, बहुत पावर है, हमारा ब्रेन जो है वो बहुत खतरनाक मशीन है। इस ब्रेन को अगर तुम्हें यूज करना आ गया ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि दुनिया हिला दोगे। क्लियर, तो इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फियर ऑफ फेलियर। फेलियर का बहुत डर है कि अगर फेल हो गया तो। यार दिन में ना जाने कितने रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो लोगों ने गाड़ियों में चढ़ना बंद कर दिया क्या? ऐसा नहीं हुआ ना। क्लियर, ऐसा नहीं हुआ ना, तो आप क्यों डर रहे हो फेलियर से भाई? एक बार कूद के तो देखो, एक बार करके तो देखो। कोई एग्जाम
एग्जाम की तैयारी करके तो देखो यार, फेलियर क्या होगा, फेल शेल कुछ नहीं होता भाई, हम कभी हारते नहीं है, याद रखना, हम या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। एग्जाम तुम्हें सिखा के जाएगा, प्रेपरेशन तुम्हें सिखा के जाएगी। तो पहले ही तुम डर रहे हो कि मुझसे होगा या नहीं होगा, तो सेल्फ डाउट मत करो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज स्टूडेंट्स की, सेल्फ डाउट की, क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, फ्रेंडशिप, दोस्ताना, याराना, मेरे दोस्त ने वो लिया है तो मैं भी वही लूंगा, है ना, ये वाली बेवकूफ़ी ना करना भाई। तेरे दोस्त ने इसलिए लिया है क्योंकि उसने बचपन से सोच के रखा था मुझे ये लेना है, तो अपने दोस्त को देख के मत जा एग्जामिनेशन सेंटर में, या जब एग्जाम होगा तो तेरा दोस्त न जाने कहाँ होगा, तू न जाने कहाँ होगा, क्लियर। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखो कि मेरा दोस्त ही ले रहा, दोस्ती के पीछे मत करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम अपना डिसीजन बनाओ, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, काउंसलिंग को इग्नोर करना। अभी आपको पता है ये वीडियो स्टार्ट हुई है ना, मैं जाने कितने बच्चों ने बस थोड़ी सी देख ली और भाग गए, वही हैं जो काउंसलिंग को इग्नोर कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है, काउंसलिंग ही तो हो रही है, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, आप ही के लिए है, क्लियर। तो चलो आप नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हमको फॉलो करने हैं स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए, यही तीन इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, यही तीन स्टेप्स आपको ध्यान से देखने हैं। ये तीन स्टेप आपको समझ आ जाएंगे तो आप अपना डिसीजन बना पाओगे कि मुझे कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी है, आप मुझे कैसे अपनी लाइफ को, कैसे आप अपना फ्यूचर लिखोगे, खुद लिखते हैं हम अपना फ्यूचर, खुद से तुम सब्जेक्ट लोगे, खुद से तुम सारी चीजें करोगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है बेटा वो है इंटरेस्ट, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहले देखा जाए कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। अब इंटरेस्ट कैसे पता करें सर, इंटरेस्ट पता करने के लिए आपने देखना है कि जब भी मैं पढ़ाई करता हूं तो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको पढ़ने में मुझे मजा नहीं, मजा तो नहीं आता पढ़ाई में, लेकिन जिसको पढ़ने में एटलीस्ट मैं ज्यादा टाइम उसको पढ़ लेता हूं, मैं बोर नहीं होता, क्लियर। या कोई क्लास ऐसी होती है कि टीचर पढ़ा रहा है तो मुझे टाइम का पता नहीं चल रहा, टाइमलेसनेस आ रही है, समझ में आ रहा है ना। जैसे कुछ बच्चों को केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ को फिजिक्स में इंटरेस्ट, कुछ को बायो में इंटरेस्ट आ रहा है कि बायो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है, तो देखो अपने इंटरेस्ट को, क्लियर। तो इंटरेस्ट को देखो, सेल्फ असेसमेंट करो, अब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं देखना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, कैपेबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अपनी कैपेसिटी को देखो, तो क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्लियर। खुद से सवाल पूछना है, क्या मुझसे ये हो पाएगा अगर मैं मेहनत करूंगा। देखो खुद से हमें आंसर मिलते हैं बेटा, किसी के इन्फ्लुएंस में आने की जरूरत नहीं है। तो पहला जो पॉइंट है, पहले आपने ध्यान देना अपने इंटरेस्ट को, सेल्फ असेसमेंट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा कैपेबिलिटी और फ्यूचर गोल्स, आपने देखना है कि क्या मैं कैपेबल हूं, क्या मैं कर पाऊंगा, और फ्यूचर में इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, है ना। फ्यूचर गोल्स देखो कि हाँ, अगर मुझे देखो सिंपल है यार, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है ना तो तुम्हें मेडिकल लेना है, ये तुम्हें पता है, तो मेडिकल लेना है तो क्या मैं बायो को ध्यान से पढ़ लेता हूँ, क्या मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को भी कर पाऊंगा, क्या मैं उसको भी उस तरह से चला पाऊंगा, क्या मैं नीट का एग्जाम दे पाऊंगा, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा नीट के बाद डॉक्टर, ये सब चीजें। तो एक पूरा एक देख लो कि फ्यूचर गोल आपके क्या है और अपनी कैपेबिलिटीज को देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, डिस्कशन और मेंटरशिप, डिस्कशन करो, इसके ऊपर जरूर डिस्कशन करनी है आपने, है ना, डिस्कशन करनी है। किससे डिस्कशन करें, अपने सीनियर से डिस्कशन करो, अपने मेंटर से डिस्कशन करो, अपने टीचर से डिस्कशन करो, उन लोगों से डिस्कशन करो जो लोग एग्जैक्टली इस फील्ड में हैं। रिलेटिव से डिस्कशन नहीं करनी है आपने, किसी अपने यार दोस्त से डिस्कशन नहीं करनी है, जो इस फील्ड में है उसकी मेंटरशिप लो, और हो सके तो काउंसलिंग प्रोग्राम अटेंड करो। काउंसलिंग के ऊपर जो है, देखो काउंसलिंग को लोग ना बड़ा लाइटली लेते हैं और डायरेक्टली कोचिंग में लाखों रुपए खर्च कर लेंगे, लेकिन काउंसलिंग की छोटी मोटी फी देखेगी, जिससे काउंसलर जो है आपके इंटरेस्ट को जानता है और आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताता है, तो काउंसलिंग को इग्नोर मत करो, मेंटरशिप प्रोग्राम्स जरूर ज्वाइन करो। तो यही तीन चीजें आपने देखनी है बेटा, ये तीन चीजों को जब आप ध्यान से देख लोगे आपका स्ट्रीम सिलेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको आंसर खुद से आएगा। अब मैं बता दूं कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए क्या बेहतर है वो आपको, आप मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, बस ये तीन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है बेटा। अब बात करते हैं कि स्ट्रीम्स, कितनी स्ट्रीम्स है हमारे पास। देखो बेटा स्ट्रीम्स की अगर मैं बात करूं ना, तो जनरल स्टडीज में आपकी आ जाती है साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी, और कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट आ जाते हैं जो कि बहुत कम बच्चे ऑप्ट करेंगे, ये मतलब बहुत बहुत कम नंबर होता है इन बच्चों का, लगभग मान के चलो 8-10% ही बच्चे ऐसे हैं जो वोकेशनल कोर्सेज करेंगे। ये कौन से कोर्सेज होते हैं, जो पैरामेडिकल के होते हैं, फाइनेंस के होते हैं, हॉस्पिटैलिटी, आईटीआई, है ना, और प्रैक्टिकल स्किल्स, बेसिकली ये जैसे आईडिया में प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ज्यादातर ये वो बच्चे करते हैं जिनको इकोनॉमिक क्रंच है, जो थोड़े मध्यम वर्ग से नीचे आते हैं बेटा, जिनको थोड़ी इकोनॉमी पैसे की थोड़ी दिक्कत होती है, जिनको लगता है कि हाँ अब टेंथ कर लिया तो अब मुझे अपनी इकोनॉमी जनरेट के लिए कुछ ना कुछ स्किल सीखना पड़ेगा, जिससे कि मैं अपना मतलब अपना और अपने घर का खर्चा चला पाऊँ, क्लियर। तो ये वो बच्चे ऑप्ट करेंगे। हाँ, वोकेशनल सब्जेक्ट वाला अगर कोई बच्चा स्टूडेंट जो है वीडियो देख रहा है बेटा, उसको कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट जो भी करना है वो डायरेक्टली कमेंट करें, मैं उस वोकेशनल सब्जेक्ट पे उसको पूरा गाइड करूंगा। अब हम मेन बात करते हैं हमारी स्ट्रीम्स साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी एंड आर्ट्स की। अब मैं तो साइंस का टीचर हूँ, मैं साइंस की बात करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, मैं कॉमर्स और ह्यूमैनिटी के ऊपर भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा साइंस की। साइंस जो है बेसिकली ये दो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, एक इसमें आ जाता है मेडिकल, एक आ जाता है नॉन मेडिकल।
मेडिकल में क्या है, मेडिकल में बेटा आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है और बायोलॉजी पढ़नी है। और नॉन मेडिकल में अगर आप देखोगे यहाँ भी फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बट यहाँ बायोलॉजी की जगह क्या आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है। बस एक सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है, बाकी इंग्लिश आपकी कंपलसरी होती है, ठीक है, ये कंपलसरी है, ये सब में, मतलब ह्यूमैनिटी में भी है, कॉमर्स में भी है, मेडिकल में भी है, नॉन मेडिकल में भी है। और जो लास्ट सब्जेक्ट होता है फिफ्थ, जिसको हम ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चुन लेते हो। ज्यादातर मेडिकल वाले जो है वो ऑप्ट एनवायरमेंट को करते हैं, ईबीएस को करते हैं, है ना। नॉन मेडिकल को कुछ पीएचडी ले लेते हैं ना, ये फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, कुछ भी, जो भी आपने साइकोलॉजी जो भी लेना है, तो फिफ्थ सब्जेक्ट आप देख सकते हो। आप अब अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो मेन जो आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं ये तीन आ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेडिकल में, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है वो नॉन मेडिकल में पीसीएम एंड पीसीबी। अब कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो सिंपली क्या करेंगे, वो पीसीएमबी कर लेंगे, मतलब वो मैथ भी ले लेंगे, बायो भी ले लेंगे, फिर उनको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेना होता। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, पीसीएमबी से बढ़िया है या तो आप पीसीबी की तरफ जाओ या तो पीसीएम की तरफ चले जाओ, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो ये पहले ही मझधार पे चलना, दो सब्जेक्ट ले लेना, ये आगे जाके आपको रिग्रेट होगा, तो उससे बढ़िया है कि एक ही डायरेक्शन में चला जाए। क्लियर। अब बात करते हैं कॉमर्स की और ह्यूमैनिटी की। कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो बेटा कॉमर्स में आपका, अच्छा मेडिकल और नॉन मेडिकल से आप क्या क्या बन सकते हो, तो आपको पता है मेडिकल में, मेडिकल की फील्ड है, डॉक्टर आ गया ना, पैरामेडिकल कोर्सेज आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अब मेडिकल में अगर आपको जानना है क्या क्या आता है, तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं अलग से एक मेडिकल की डिटेल्ड वीडियो फ्यूचर ऑप्शंस बना दूंगा, सेम वैसा ही नॉन मेडिकल में, ठीक है। तो बात करते हैं डायरेक्टली कॉमर्स की। कॉमर्स में क्या क्या आ जाता है बेटा, आपका अकाउंट्स आ जाता है इसमें, ठीक है, अकाउंटेंसी आ जाता है, बिजनेस स्टडीज आ जाता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स आ जाता है, इंग्लिश तो मैंने बोला था आपको है ही है, मैथमेटिक्स आ जाता है, इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, और उसके बाद इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिकल जो भी है, प्रैक्टिस जो है, ये आ जाएगा कॉमर्स में। अब उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमैनिटी में। ह्यूमैनिटीज में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो हिस्ट्री है ना, 9th-10th में भी आपने पढ़ी, 8th से पढ़ते आए हो हिस्ट्री, अगर आपको हिस्ट्री अच्छा लगता है तो आप यहां चले जाओ, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, हिस्ट्री हो गया और कैपेबिलिटी, वो तीनों पॉइंट को ध्यान में रखो। हिस्ट्री आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, जियोग्राफी आ गया, इंग्लिश या हिंदी ऑप्ट कर सकते हो, एंड कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट एक इसमें आपको लेना होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बेटा स्ट्रीम्स की इन्फॉर्मेशन थी, तीन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे, सबसे पहला इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद कैपेबिलिटी, एंड नेक्स्ट जो है आपको मेंटरशिप देखनी पड़ेगी, डिस्कशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चों को हिस्ट्री अच्छी लगती है ना, जियोग्राफी पॉलिटी में इंटरेस्ट होता है, या कुछ को सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है तो वो डायरेक्टली आर्ट्स ले लेते हैं। क्लियर। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा बेटा, ज्यादातर बच्चे जो है वो साइंस की तरफ जाते हैं, और साइंस के बच्चे जो है ज्यादातर देखा गया है, मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे आईएएस का रिजल्ट, सिविल सर्विसेज का रिजल्ट अगर आप देखोगे, तो आईआईटीएंस डॉक्टर्स जो है ये बहुत जल्दी उसको क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने अपने दिमाग को काफी ज्यादा घिसा होता है। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जो है ईजी नहीं है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट भी, मतलब मेरे को तो बहुत टफ लगता है। देखो मैंने अगर साइंस लिया था तो मेरे को ह्यूमैनिटी टफ लगता था, और मैंने इन तीन चीजों का पूरा ध्यान रखा था, ये तीनों पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे, तब जाके मैंने अपना सब्जेक्ट लिया था बेटा। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, किसी के इन्फ्लुएंस में आगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे पॉइंट्स, वो 6-8 पॉइंट्स की, इनको मद्देनजर रखते हुए आप डायरेक्टली अगर स्ट्रीम ले लोगे किसी के प्रेशर में आके, फ्रेंडशिप को देख के, तो ये बिल्कुल नहीं करना बेटा, ये आपकी लाइफ का डिसीजन है, यहीं से आपकी जो लाइफ जो है डिसाइड होगी कि आपकी लाइफ किस तरह की होगी, वो आपके हाथ में बेटा। होप सो, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको अच्छी लगी होगी बेटा। अगर कोई भी आपको दिक्कत, परेशानी, कुछ भी अगर आपका क्यूरी है, वो आप कमेंट जरूर कर दो, मैं उसका आंसर खुद से दे दूंगा। थैंक यू सो मच।